हेलो फ्रेंड्स, ये जो आप प्लांट देख रहे हैं फ्रेंड्स, देखें ये बहुत छोटे पॉट में लगा हुआ है। ये 3 इंच का पॉट होगा या 2.5 इंच का। और देखिए ये एग्लोनिमा है, इसके पूरे लीफ रेड हैं। मेरे पास पहले से ऑलरेडी ये है जो जिसमें छीट छीट रहते हैं, और ये लिपस्टिक है। देखें फ्रेंड्स, लिपस्टिक एग्लोनिमा है, और ये चाइनीज एग्लोनिमा है, और ये पता नहीं इसका तो नाम मुझे नहीं पता है फ्रेंड्स। इसके पत्ते छीट छीट छीटा छीटा होते हैं फ्रेंड्स। और ये जो है सो एकदम रेड है, जैसे बीच से ये रेड होना शुरू होते हैं फ्रेंड्स, और धीरे धीरे इसके सारे पत्ते रेड हो जाते हैं। और लिपस्टिक प्लांट का क्या है फ्रेंड्स कि साइड से रेड रहते हैं और उसी तरह से रेड रहेंगे, उसके बाद ये फिर ये ज़्यादा रेड नहीं होते हैं फ्रेंड्स। तो ये मेरे गार्डन में नहीं था, मुझे ये नया दिखा फ्रेंड्स, तो मैंने इसे ले लिया। ये 200 रुपये में मुझे दिया है फ्रेंड्स, देखें। और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, देखिए मैं यहाँ से रख रही हूँ। मैंने भी इसे कल ही परचेज किया है, और बहुत अच्छा प्लांट मुझे लगा। जैसे जैसे ये बड़ा होंगे ये पूरे रेड होते चले जाएंगे, और अभी तो मैं इसी में रहने दूंगी फ्रेंड्स। थोड़ा सा और बड़े होंगे तो मैं इसे बड़े पॉट में 8 इंची 7 इंची के पॉट में मैं इसे ट्रांसप्लांट कर दूंगी, जैसे मैंने ये सबको किया है फ्रेंड्स। देखें, इसको ज़्यादा पॉट की बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है फ्रेंड्स। एग्लोनिमा को ये छोटे छोटे पॉट में बहुत अच्छे चलते हैं, और इसे ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं होती है। वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद दे दें, यही बहुत है इसके लिए। और ये बहुत अच्छे नेचुरल रहते हैं। और ये मेरा अमेरियन लिली का प्लांट है फ्रेंड्स, अभी तक तो इस पर फ्लावर नहीं आया है। मैंने इसे अब सोची हूँ धूप में निकाल दूँगी। मैंने इसे पिछले साल परचेज किया था, इसके व्हाइट कलर के फूल आते हैं फ्रेंड्स। अमरेन लिली इसका नाम है फ्रेंड्स, अमरेन नहीं फ्रेंड्स, सॉरी, अमेजोन लिली। तो देखें, यदि इस तरह से आप यदि प्लांट के शौकीन हैं इंडोर प्लांट के, तो आप इस प्लांट को परचेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें फ्रेंड्स। और इसकी मिट्टी तो वही पोरस मिट्टी बनाना होता है फ्रेंड्स, कोई भी एग्लोनिमा का पोरस मिट्टी बनाए फ्रेंड्स, इसमें पानी होल्ड ना करे और मॉइस्चर रहे। तो मैं सबको कोकोपीट में ही मिक्स करके, मैं जितने भी एग्लोनिमा है कोकोपीट में ही मैंने लगाया है फ्रेंड्स, और बहुत अच्छे प्रोग्रेस में है। देखें, तो मैंने भी इसे कोकोपीट में, ये अभी भी कोकोपीट में ही लग के आया हुआ है, तो मैंने इसे बाद में कोकोपीट और मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट दे करके ही लगाऊंगी, और एडेनियम के लिए मैंने मिट्टी तैयार करूंगी, फिर इसे रिपोर्ट करूंगी फ्रेंड्स। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें फ्रेंड्स। थैंक यू।